पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वच्छता के प्रति बाबा संत गाडगे का 144वां जन्मोत्सव अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में धूमधाम से मनाया गया। वक्ताओं ने अपने विचार रखे और विचार रखते हुए जीवन परिचय पर विचार व्यक्त किए। सभी ने कहा कि वो एक महान संत थे, वो एक अलौकिक विभूति थे। वे स्वयं में एक संस्था और विद्यापीठ थे। हाथ में मशाल लिए बाबा जीवन भर दौड़ते रहे, कभी उसे बुझने नहीं दिया गया। उनका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में क्रांति लाना था। बाबा ने अपने बहुमुखी कार्यों को बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल में 75 संस्थाओं की स्थापना की। संत बाबा गाडगे की अमृत वर्षा, भूखे का भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, बच्चों को शिक्षा, रोगी अंधे अपाहिज को दवा, बेरोजगार को रोजगार, बेजुबान जानवरों की सुरक्षा, गरीब जवान बच्चे बच्चियों की शादी, निराश और दुखी लोगों को प्रोत्साहन के साथ अन्य बातें भी कही गई। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखे और संत गाडगे जी को नमन किया। यहाँ पर बाबा संत गाडगे के 143वें जन्म उत्सव मना रहे हैं हम लोग। 143वां जन्म उत्सव मना रहे हैं बाबा संत गाडगे का। कम से कम पिछले 16 साल से कार्यक्रम चल रहा है। इस समय लगभग अभी भीड़ आने वाली है, 300 से 400 तक आदमी हो जाते हैं हमारे। केवल बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम करे जाएंगे और बाबा के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर वो दिया जाएगा। समाज को ये मैसेज देंगे कि जो बाबा संत गाडगे ने हमें शिक्षा दी है कि शराब को ख़त्म करो और ढोंग ढकोसलों में मत पड़ो, जादू टोनों में मत पड़ो और बेरोजगारी, पढ़ाई, शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया बाबा ने हमारे। हम उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे।